सर, करीना फिर से बच गई। विराट, सौम्या और हरमन ने मुझे देख लिया है। करीना को भी होश आ गया है। शायद करीना सब कुछ सच बता देगी सर। सर आगे आप संभाल लीजिए, मैं निकलता हूँ सर। दलजीत, क्या हुआ? डैड, डैड सब गड़बड़ हो गया। मेरा आदमी करीना को नहीं मार पाया, करीना को होश आ गया क्योंकि वहां पे हरमन और सौम्या आ गए थे। कहीं करीना उनको सब सच ना बता दे। सच? कैसा सच? हीर का सच। क्या बताना चाहती हो तुम? हीर के बारे में क्या बताना चाहती हो? यही उसके साथ क्या हुआ था? क्या हुआ है हीर के साथ? हीर कहाँ है? करीना प्लीज बताओ, हीर कहाँ है? हीर को अगवा किया गया था फिर से। अरे 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 कौन है तुम? ये क्या हो गया? देखो जाके। ये देखो टीना गिरा यहाँ पे, वो जो कोई भी है आसपास ही है। चलो ढूंढते हैं। हाँ, तुम इधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ। चलो देखो। Oh!
कोई दिखा क्या? नहीं कोई तो नहीं दिखा। चलो उधर देखते हैं। चलो जा। अरे जिसकी तलाश हम सबको थी वो मुझे मिल गई है। तुम सब यहां आओ। तू तो वो गुड़िया है जिसमें सोमिया की जान बसती है। उसकी हस्ती मिटाने के लिए तू तो काफी। ले चलो इसे। चल चलो। हीर आइए, आप ही का इंतजार था। वेलकम हीर, वेलकम। अरे और कितना गिरोगे तुम? हाँ पहले आपने गीतू के साथ इतना घिनौना जुर्म किया, उसके बाद उसे किडनैप किया, उसके बूढ़े बाबा तक को नहीं छोड़ा। क्या लगता है आपको हाँ कि ये सब करके हमारी इंसाफ की लड़ाई रोक दोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हीर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ मेरे पास कैद होने के बावजूद अपनी ये सो कॉल्ड इंसाफ की लड़ाई लड़ोगी भी और जीतोगी भी? मैं तुमसे हमेशा एक बात पूछना चाहता था, आज पूछ लेता हूं कि तू खुद को समझती क्या है? अगर तूने विराट की बात सुन के शांत हो गई होती ना तो आज तू विराट के साथ घर पे होती। लेकिन नहीं, तुझे तो मुझे बर्बाद करना था ना, तो देख मुझे बर्बाद करते करते तू कहां पहुंच गई रे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपने अपने ही सगे भाई को धोखे में रखा। अगर उसे ये सच पता चला ना तो आपको पता है कभी सोचा है आपने आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और आपके माँ बाप भी आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है आप पर। लेकिन जिस दिन उनका ये भरोसा टूटेगा ना फिर कहीं के नहीं रहेंगे आप। अच्छा देख सर, मम्मी जी आप बच्चे आप दोनों यहाँ आपने देखा ना दलजीत भैया ने क्या किया? सुना आपने? सुना ये गलत करने वाले ये है वो बेचारे गीतू ने। अब तो आप दोनों को सच पता चल गया ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। इन्होंने सब कुछ किया उसके साथ। और जो तू करके आई सारी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बताकर आई है और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर आई है, वो गलत नहीं है? नहीं मम्मी जी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया।
वो दीवार पर भी मैंने मैंने कुछ नहीं लिखा था। तो फिर किसने लिखा? तुम्हारे अलावा ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर तुला हुआ है? वो भी इन्होंने किया होगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी नरक बनाना चाहते हैं। पापा जी, मम्मी जी, अब तो सच आपके सामने आ गया ना। गीतू के साथ जो भी गलत हुआ वो इन्होंने किया है। अब आप इनका साथ क्यों दे रहे हैं? हम जानते हैं, हम सच्चाई जानते हैं। दलजीत ने हमें पहले ही बता दिया था। अरे मैं मानता हूं गलती हुई है दलजीत से, हुई है गलती, लेकिन तू क्या चाहती है? तू चाहती है कि किसी गैर इंसान के लिए, इस लड़की के लिए मैं अपने खून की बलि दे दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा है ये हमारा, बेटा है, और हमने इसे माफ कर दिया। बोल, अपने बेटे का इतना घिनौना जुर्म माफ कर दिया? पापा जी, आप भूल गए कि आपकी भी एक बेटी है। एक बार भी आपने सोचा कि गीतू के बाबा पर क्या बीत रही है इस वक्त? अरे किसी और की बेटी के लिए मैं अपने बेटे की बलि चढ़ा दूं? हाँ, तू ये चाहती है क्या? अगर विराट को पता चल गया कि दलजीत ने ये सब कुछ किया है, वो घर छोड़कर चला जाएगा। इसे जेल हो जाएगी, विराट घर छोड़कर चला जाएगा। अरे हमारे पास कौन रहेगा? कौन रहेगा हमारे पास? और इनके साथ चली जाएगी हमारी हमारी बरसों की कमाई हुई इज्जत, मान मर्यादा, सब कुछ। और ये मैं होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा ये मैं। डैड, जो करना जल्दी करते और निकलते यहां से, इससे मेरे तो याद है यहां पे। बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसका काम खत्म कर देते हैं। इसे इस तरह जिंदा नहीं छोड़ सकते ना। मम्मी जी, आप गीतू को जान से मारने की बात कर रही है? आप इतना गिर गई कि आप में जरा सी भी इंसानियत नहीं बची? याद है ना, आपने एंजल का साथ दिया था तो क्या हुआ था? इस बार इस करीना का साथ देंगे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा आपको। रुको, रुको,
गीतू को कुछ मत करना। आप लोगों की दुश्मनी मुझसे है ना, जो करना है मेरे साथ करो प्लीज, गीतू को कुछ मत करना। चल जी एक मिनट, पक्का तो ठीक है, तेरे साथ ही कुछ ऐसा कर लेते हैं। मेरी एक शर्त है, अगर तू वो शर्त मान गई तो तेरी इस गीतू को मैं जाने दूंगी। बोल, मानेगी मेरी शर्त? अब जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। आप गीतू को और उसके बाबा को प्लीज जाने दीजिए। आपको जो करना है मेरे साथ कर लीजिए। विराट की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जा। इतनी दूर कि उसे तेरे रहने का एहसास तक ना हो। बोल, तेरी इस गीतू के लिए मानेगी मेरी शर्त? मत करना दीदी, विराट भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, अब मेरे लिए अपने प्यार को छोड़कर मत जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं विराट से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, कभी उसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। पेन और पेपर कहाँ है? वो टेबल पर है। लिख, विराट को एक चिट्ठी लिख, उसमें लिख कि गीतू गलत थी, गीतू ने दलजीत पर सिर्फ एक झूठा इल्जाम लगाया था और ये जानते हुए भी तूने गीतू का साथ दिया, क्योंकि तुझे ना दलजीत से बदला लेना था। गीतू तो सिर्फ दलजीत से बदला लेने का एक जरिया थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने तुझे या तेरे उस हरमन को, सौम्या को, तेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाई थी, इसलिए तुझे बदला लेना था। और जहां तक तू जानती है कि विराट तेरी हर बात को मानता है, लेकिन अब ये सच्चाई जानने के बाद विराट तेरी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कसमें वादे किए थे उसने कि हीर जो कहती है वो सच होता है, वही सच है और ये मानता है, लेकिन अब तो हीर गलत निकली, अब हीर सच नहीं कह रही है, क्योंकि ये जो सब कुछ है ये सब झूठ है, इसीलिए अब विराट तुम पर भरोसा नहीं करता, इसलिए तुम ये शहर छोड़कर बहुत दूर जा रही हो, इतनी दूर कि विराट तुम्हें ढूंढ ना सके। और ये भी लिखना कि विराट तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो मुझे ढूंढने कभी मत आना।